फाइनली वो दिन आ चुका है आफ्टर बींग इन हाइबरनेशन नॉट डूइंग दोज लॉन्ग ट्रिप्स इट्स दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग टू राइड अगेन एंड नोइंग दैट यू विल बी ऑन द रोड फॉर अ होल वीक ऑल सेट गेट इनटू फर्स्ट गियर एंड आगे बढ़िए सो द एग्जैक्ट टाइम 3:42 AM सेट द ओडो टू जीरो फ्रॉम होम एंड लेट्स गो चलो पहाड़ों पे टाइगर की आवाज सुनते हैं वाह 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 आई हैव जस्ट स्लेप्ट फॉर अबाउट लाइक 90 मिनट्स इन द नाइट 11:30-12 बजे सोया था 2:30 बजे नींद खुल गई तो 1.5 घंटा-2 घंटे की नींद ही आई है टोटल आज तो फुल डे राइड करनी है 700 किलोमीटर्स इजीली विल टेक अबाउट 16-17 आवर्स ब्लैक कॉफी रेड बुल एंड गॉड नोज व्हाट क्या क्या ट्राई करना पड़ेगा आज सो दिस इज द टूल डेट वी नीडेड जिससे फ्रंट टायर खुलेगा भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े फ्रंट टायर पंचर ना हो और पूरा ट्रिप विदाउट पंचर निकले सो राइट नाउ आई एम एट द अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आई विल बी वेटिंग हेयर फॉर जेसन एंड सो दैट इज द हैरियर आई हैव ऑफलोडेड ऑल द लगेज इन टू द कार अभी तक थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी बट अब ये सुबह के कलर्स देख के फिर से नींद खुलने लगी है और आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ही धूप आएगी तो फिर से नींद आएगी सो लेट्स राइड हार्ड फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू क्लॉक 200 किलोमीटर्स ऑन द ओडो राइट नाउ वी आर एट 102.7 सो 97-98 किलोमीटर्स करते हैं उसके बाद मिलते हैं फिर यो 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 So I've reached the Panipat toll and taking some rest. Almost 150 kilometers done. Enjoying the sunrise and after this again I'll give it a shot for another 100 kilometers. 250 karte hain. We'll have the great breakfast and the idea is to do 350 as quickly as possible because 700 hai hamara aaj ka day ka target. So half the mileage, do that and have a good meal. So just after Panipat toll, yahi karna hota hai. सेट द बाइक ऑन अ क्रूज 110 पे सेट है स्ट्रेटन योर बैक गिव योर रिस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड कीप ऑन क्लॉकिंग किलोमीटर्स सी यू इन अ बिट दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैकहेन रोड मैकहेन गो बेबी गो sound of the Triumph Tiger wow man $170 man classy $178 illegal speed huh zyada nahi karna chahiye that was enough fun थोड़ी सी नींद आए तो ये कर लो ना सारी नींद खुल जाती है स्टॉप्ड ओवर फॉर अ टी एंड अ टोस्ट अलोंग द हाईवे A typical Punjabi dhaba. Freshened up and again gearing up for another 100 kilometers. The time right now is almost 7:45. So scene ये 9:06 हो चुके हैं धूप पूरी आ चुकी है नींद आ रही है साथ में और अभी डिस्टेंस सिर्फ 341 किलोमीटर्स हुआ है वन ऑफ द टायर्स ऑफ द हैरियर गॉट बट डैमेज सो एक नया टायर लेना पड़ेगा हैरियर का जेसन को सो वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ओवर इन जलंधर और लुधियाना वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर यार इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ना इस पूरे ट्रिप में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट
अनसर्टन ट्रिप्स दैट आई एवर डन. आई मीन मैं अपने ट्रिप्स को बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता, मैं बहुत रैंडमली चलता हूँ विदाउट एनी बैकअप एंड ऑल दोज थिंग्स, थोड़ा सा रिस्की तरीके से चलता हूँ. बट इस बार का ट्रिप बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग, रिपोर्ट्स टाइम पे आना, स्टिपुलेटेड टाइम में ई पास आना, बुकिंग अपलोड करना ई पास के लिए, ऑल दोज थिंग्स विद इन दैट वन डे गेटिंग ऑल दैट डन. ऊपर से वी वॉन्टेड टू डू कैंपिंग दिस टाइम अराउंड, सो उसका इक्विपमेंट भी इधर उधर से अरेंज करना, ऑल दैट बिकेम अ बिग वेरी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी एंड हैड टू बी डन इन अ लॉट ऑफ रश. सो ओवरऑल अभी ऐसा लग रहा है कि बस हिमाचल में घुस जाए तो ये लगेगा कि इतनी जो मेहनत करी थी ना वो सफल हो गई है. सो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार ये बाइक में क्रूज़ कंट्रोल का क्या फ़ायदा है, इंडिया में तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ ही नहीं होता. मैं कह रहा हूँ यार इसलिए यूज़ होता है. अभी मैं 130-120 पे क्रूज़ कर रहा था इस हाईवे पे एंड बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी शोल्डर में, रिस्ट में, बैक में. सो दैट इज़ व्हाट आई यूज़ क्रूज़ कंट्रोल फॉर. क्रूज़ पे सेट करी हुई है, आई एम नॉट स्पीडिंग एट 130 राइट नाउ, 90 पे सेट करी बिकॉज दिस रोड इज़ गुड इनफ टू क्रूज एट 90. एंड इन द मीन टाइम हैंडल से हाथ हटा के मैं अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा लूजन अप कर रहा हूँ रोटेट करके, बैक को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैं विदाउट बाइक से उतरे. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ हैविंग क्रूज कंट्रोल. एक तो हाथ थोड़ी देर रेस से हट जाता है, एक्सेलेटर से हट जाता है, सो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर एबल टू स्ट्रेच योर बॉडी विदाउट गेटिंग ऑफ द बाइक. सो इस शॉप पे रुके हैं वेलोसिटी टायर्स, रोड के ऑपोजिट साइड थी एंड यहाँ से देखते हैं अगर टायर एक्सचेंज हो जाए तो. बंद चलो चलो मैं चल रहा हूँ फिर 70 हम उस पे रुकते हैं सीधे जलंधर पे, उसके आसपास कोई मैक्डीज वैक्डीज दिखेगा मैं अपने आप रुक जाऊँगा अगर ठीक है. ठीक है डन. फ्रेश मिल्क बादाम, बहुत गर्मी लग रही है. ओह एक मिनट, हेलमेट तो उतारनी पड़ेगी, हेलमेट उतारनी पड़ेगी एक मिनट. बिना हेलमेट पकड़ा कैसे, प्यास लग रही है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ हमारे ई पास आ गए हैं हिमाचल प्रदेश के एंट्री के. जेसन का तो आ गया है, ही हैज सीन इट बिकॉज इज इन द कार. आई हैव नॉट बीन एबल टू सी इट बिकॉज आई वॉज राइडिंग द बाइक. सो होपफुली मेरा भी आ गया होना चाहिए, एक मैसेज तो बचा था फ़ोन में. इट टुक अस अ कम्प्लीट 24 आवर्स. सोचा नहीं था सितंबर में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी. 12 सितंबर और हालत थोड़ी बुरी ज़्यादा हो रही है यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट टाइम राइडिंग द टाइगर ऑन द कर्व्स यार, इसके लिए बहुत वेट करना पड़ा. नवंबर में ली हुई बाइक सितंबर में पहाड़ों में आ रही है और इसीलिए ली थी कि ये जो कर्व्स पे ऊपर चढ़ते हैं ना और हल्के से शॉर्ट गियर में जब रेव करते हैं, ये वाली आवाज के लिए जो फन आता है ना, वाओ. ये वर्का की खीर है, पंजाब वाले हाईवे पे आके हमेशा मैं ये खीर खाता हूँ. 20 rupees की ऑसम खीर होती है, मीठी मीठी. वेरी आई हैव अ वेरी बैड स्वीट टूथ. सो आफ्टर दैट मीठी मीठी खीर, बैक ऑन द वाइंडी सेक्शंस. वी आर स्टिल नॉट इन हिमाचल, दिस इज द हिली सेक्शन ऑफ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट. So that is how the checking happens at the Himachal border. We have just cleared it and I don't want to show my happiness here because now I am officially authorized to take this beast and enjoy in the hills. Into Himachal Pradesh entry ho chuki hai and that is for sure a very happy moment. After getting all the tests done, all the official documents in place, आ चुके हैं हम पहाड़ों में फिर से और ये कर रहे हैं
वाओ, यो यो यो, ठंडी ठंडी हवा। अब यहाँ से डलहौजी इज अबाउट 35 किलोमीटर्स, सो हिल्स में तो हम आ ही चुके हैं। अब 35 किलोमीटर्स में कैसे एकदम से सर्दी बढ़ेगी, मज़ा आएगा देखने में। मौसम प्लेजेंट होने वाला है और अब इस ट्रिप पे असली मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमें कोई नहीं रोकने वाला होपफुली, एंड सच पास एंड वट एवर ब्लडी पासेस डेट वी हैव थॉट ऑफ कॉन्करिंग दिस टाइम अराउंड, शायद हम वो कर पाए विद लेस टूरिस्ट, विद लेस ट्रैफिक एंड इन द परफेक्ट वेदर होपफुली, बिकॉज द फोकस्ट फॉर दिस वीक इज एब्सोल्युटली क्लियर स्काई विद नो रेन प्रेडिक्शन। सो फिंगर्स क्रॉस ऐसा ही रहे और पूरा मजा आए। आज जितनी रोड देख रही हैं देख लो, कल से तो बहुत सही ऑफ रोड होने वाला है। ये अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट जितने मर्जी करा लो यार कॉर्नर्स पे, इनमें दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को दिक्कत होती है ट्रैफिक में अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करने की, राइट? इसमें तो मजा आता है। गाड़ी में बैठ के देखते हैं कैसा लगता है। वाओ, बैंडेज डेटॉल वगैरह सब ले लो भाई। डलहौजी पहुंच चुके हैं हम, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है कोविड पॉजिटिव होते हुए एंटर करते हुए हिमाचल में? अच्छा लगा भाई। डलहौजी मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ डलहौजी। एंड एकदम से कैसे देखा तूने वेदर चेंज हुआ? तेरे को फील नहीं हुआ ना बाहर ऐसा लग रहा है? मैं ऐसा लग रहा है मैं गीले हैं मेरे कपड़े, क्योंकि क्लाउड्स थे पूरे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर इज 82 किलोमीटर्स, 2 आवर्स 49 मिनट्स, 3 घंटे मान लेते हैं, 5 बज चुके हैं, 8 बजे तक पहुंचेंगे। तो डालना आरवी होटल सच पास डालना। कोई बढ़िया पॉइंट देखना, वहां से ड्रोन शॉट लेंगे, अपने आप सोच लेना। एक था पर मैं सोच रहा हूँ अभी और भी आगे आएंगे, और अभी थोड़ा सा 5:45 बजने देते हैं, पहले 5:45 ना फिर लेते हैं थोड़ा सा और चल। 82 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं नहीं हमारा होटल नीचे वाला सीन ना देखने वाला है। नीचे एक डैम है, इसी रोड से जाना है। वाह यार, कौन सा डैम है पता नहीं है मुझे, नेट पे रिसर्च करके यहाँ नाम ज़रूर डालूँगा। और हमने जाना है राइट जैसा उन्होंने कहा। पुलिस वालों ने रोक के पूरी इंक्वायरी कर ली कि बाइक कितने की है, कहाँ से है। 2 आवर्स फ्रॉम हेयर, 55 किलोमीटर्स, आई थिंक वी शुड मीट डायरेक्टली एट द होटल नाउ, बिकॉज आई एम लेफ्ट बिहाइंड, दिस गाइज हैव गॉन इन फ्रंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क इट वाइल राइडिंग टू मच इन द डार्क। इसके साथ साथ चलते जाओ,
एंड दैट्स द रूट एज यू कैन सी इन द मैप एज वेल, फॉलो अलोंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शांति में राइड हो रही है और एक ही आवाज़ आ रही है टाइगर के इंजन की। बढ़िया फीलिंग है ये भी। द अमाउंट ऑफ फटीग, नाउ आई एम रियली फीलिंग टायर्ड राइट नाउ। 675 किलोमीटर्स फॉर द डे, स्टिल अबाउट 42 मोर टू गो, सो आई विल बी क्लॉकिंग ऑलमोस्ट 710 एंड द माइलेज इज नॉट दैट बिग अ इशू। द इशू इज दैट आई हैव जस्ट स्लेप्ट फॉर लाइक 90 मिनट्स, दैट्स इट लास्ट नाइट, सो दैट इज डेफिनेटली टेकिंग अ टोल ऑन माई बॉडी राइट नाउ। एंड टू ऐड टू इट, आई एम डूइंग अ लॉन्ग राइड आफ्टर डिसम्बर, इन बिटवीन आई हैव नॉट डन एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग राइड। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल। आई थिंक यू कैन मेक आउट फ्रॉम माई वॉइस दैट हालत ख़राब है एंड बहुत थक चुका हूँ। ओह सो दिस इज आवर रूम ऑन द आरवी आरके होटल, वट एवर यू कॉल इट, एंड नॉट अ वेरी गुड रूम। द बाथरूम इज स्टिंकिंग एंड वी डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑप्शन इन दिस प्लेस, सो दैट्स वॉट वी चोज टू बुक। एक रात निकालनी है, विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू डू इट राइट।